हेलो दोस्तों, पीटीटी एग्ज़ाम 2019। दोस्तों हाल ही में आपके 12 मई 2019 को जो पीटीटी एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें बीए बीएड 4 ईयर वालों बच्चों के लिए, जिन्होंने 12th करी थी उनके लिए भी 4 ईयर का बीए बीएड पीटीटी एग्ज़ाम था। तो दोस्तों मैंने कुछ प्रश्न विद्यार्थियों से लेकर आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया दोस्तों, और वीडियो को एंड तक वॉच करें और इसमें अपने नंबरों का मूल्यांकन भी करें कि आपके जीके में कितने नंबर आ रहे हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई न्यू प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों आपको पता है 1600 ईस्वी में की गई है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब प्रवेश किया था, तो वो है दोस्तों 1612, जो कि आपके ऑप्शन में था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट अपने प्रश्न पूछा था, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होने वाला वर्ष है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होने वाला वर्ष है 2005। फिर है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH44। NH44। उसके बाद है राजस्थान की सबसे लंबी नदी दोस्तों चंबल। उसके बाद है महलों का शहर, महलों का शहर किसे कहा गया है, कोलकाता को। महलों का शहर कोलकाता को कहा गया। अभी तक दोस्तों आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक करिए, लाइक करिएगा, और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 दिया गया, किसको दिया गया था, वो कौन प्रश्न था, तो है विनोद खन्ना। फिर है आपके राजस्थान का टेक्सटाइल शहर, राजस्थान का टेक्सटाइल भीलवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों। फिर आपके नेक्स्ट है मंडाना मेहंदी लोक कला शैली हैं, कहाँ की हैं, ये राजस्थान की हैं। फिर हैं मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, आर के नारायण। मैड्रिड किसकी राजधानी है, मैड्रिड आपके स्पेन की राजधानी है। फिर हैं भारत के स्वाधीन होने के वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपके क्लीमेंट एटली। फिर हैं विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। फिर है गंडक नदी का उद्गम स्थल है, तो वो है आपके नेपाल। फिर नेक्स्ट है बिहू लोक नृत्य है, यानी बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, असम का, आपके वहाँ पर आसाम लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, फिर है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपके कमल है। भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। केवलादेवी घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको राजस्थान दे रखा था, जो कि भरतपुर में है। फिर है भरतपुर राजस्थान में दोस्तों, ठीक है ना। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि 1885 में की गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017 तक। फिर है ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है, तो ग्रीनलैंड की मुद्रा आपके क्रोन है। फिर आगे प्रश्न पूछा गया था भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम संबंधित है, तो वो है तमिलनाडु से। फिर आपके नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है दोस्तों। फिर है देश के प्रथम अंतरिक्ष में वल्लभ भाई पटेल थे, तो क्या थे, गृह मंत्री। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो वो है राजस्थान। कैबिनेट मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई, 1946 में, 1946 में आपके कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। फिर है सबसे अधिक चमकीला ग्रह, तो शुक्र है, यानी सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो वो कौन है, शुक्र है दोस्तों। फिर आगे दे रखा आपके निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो करता है आंतों को। फिर है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, बेरी बेरी। फिर है आपके नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा, राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को का पी सिटी अवार्ड मिला, तो वो है जयपुर को, यानी जयपुर को यूनेस्को का पी सिटी अवार्ड मिला हुआ है। फिर है रेड क्रॉस का मुख्यालय है, रेड क्रॉस का मुख्यालय है आपके जेनेवा में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में। राजस्थान के राज्यपाल, जो कि आपके कल्याण सिंह हैं,
फिर है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, तो लिखा था आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जनगणमन आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर जो कि चित्तौड़ में है, और आपको ऑप्शन दे रखा था मेड़ता। ठीक है दोस्तों, दोनों दे रखे थे, तो फर्स्ट आप चित्तौड़ बताइएगा फिर मेड़ता बताइएगा। ठीक है, फिर है आखिरी मुगल बादशाह कौन था, तो आखिरी मुगल बादशाह आपके बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे। फिर है भारत का अंतिम वायसराय जो कि लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, कब बना, 2 जून 2014 को। फिर है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। फिर है हमारा प्रथम मुगल बादशाह कौन था, प्रथम मुगल बादशाह आपके बाबर था। ठीक है, फिर है श्वेत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, दूध से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा।